हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राजन। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मम्मी पापा मौसी आए हुए थे पतिदेव से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी ना, तो वही मम्मी मौसी सब कोई आए थे और निशा भी है यहाँ पे, तो सबसे गले गले मिले और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन मौसी मेरे को बहुत ध्यान से देख रही थी, क्योंकि ये वही मौसी है जो मेरे को एकदम खिलखिलाता हुआ देखती थी। मतलब मेरे को देख के शॉक्ड हो गई थी कि मनीषा, ये तुम ही हो, तुम तो पहले ऐसी मनीषा लग ही नहीं रही हो। तो आप लोग बताना। मामी मामी खाली है कम लगे देखो तो चलते हैं। दुर्गा माँ है। गाइस, सभी आ गई है मम्मी मौसी और पापा मिलने के लिए। पापा आए हुए थे, जब ये हॉस्पिटल में थे तो पापा आए हुए थे मिलने के लिए, क्योंकि हम घर पे खुद अचानक से नहीं बताए, वो लोग घबरा जाते हैं, तो फिर मम्मी बताई थी। तो पापा आए हुए थे, सुबह सुबह ही आ गए थे जब हॉस्पिटल से हम लोग निकल रहे थे। उसके बाद फिर अभी पापा आए हैं और मम्मी और मौसी। मेरा तो मन कर रहा है हम भी चले जाएं यार मायके, क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा है। कितनी पतली है, खूब काफी कम सारे बहुत ज्यादा पतली है। अरे ना सजी वो। हे गाइस, तो अभी देख रहे हैं हमने बेडशीट बिछा दिया हुआ है, और ये बेडशीट कितना अच्छा है। मतलब ये बेडशीट ना सिर्फ 400 रुपए में हमने लिया हुआ है, और इसके साथ ये कुशन भी है एंड तकिया का कवर भी है। बहुत ही मस्त है, एकदम लग रहा है कि इसमें वो क्या फोम नहीं होता है, फोम टाइप का, वैसे ही है। बहुत प्यारा सा है और मेरे को ना कुशन वाला अच्छा लग रहा था, वैसे यहाँ बेडशीट भी नहीं था। तो जिनको भी अगर बेडशीट लेना होगा ना, तो आप लोग कमेंट करिएगा, या फिर हम कमेंट में इसका लिंक या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाके ले सकते हैं। अभी तो 1900 रुपये ऑफर चल रहा है। बहुत अच्छा है ये बेडशीट, दिखा दो कितना सुंदर है। बस वैसे बहुत प्यारा लग रहा है, आप लोग ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, तो मुझे ऐसा कलर अच्छा लगता है। नाश्ता भी कर ली मम्मी पापा, निकलाई निकला बाकी, और बगल वाले रूम में है मिक्सर, अभी हम जा रहे हैं लेके आते हैं। है मिक्सर ऐसे पापा जी को चुन जाएगा। दीदी एक में दो को भैया तो बहुत अच्छा दिख रहे हैं। कैमरा करो भाई, दीपक जलाइयो तली है कि जला दियो पहले एगो देखा के रखियो तब। हम देखाई ले तो सब घर में धूप ऊप सब दिखा देले गाछ के लगे बहुत अच्छा थी। इतना ना रोट किया देली नाश्ता, हम दीपक जला दे हो ले जा, बहुत अच्छा। ओने चाय भी ले। हां दे दी, इधर पापा के पापा बोला पापा के लो क्या पानी के चलिए। सुनो ना, टेबल रखो तो पापा आए हुए हैं, इधर मम्मी बैठी हुई है और मौसी।
कर रहे हैं ये लोग, पापा देख रहे हैं कह रहे हैं और ही पतली हो गई है, इतना जल्दी जल्दी पतली होगी तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मम्मी मेरा हाथ ऐसे उघाड़ के देख रही थी ये, ओके कितना ज़्यादा और ही सूख गई है, तो क्या ही करे भाई। कह रही मम्मी खाना नहीं खाती है क्या टाइम पे, मैंने खाते हैं नहीं लगता है, क्या करें। यहाँ पे हाँ हमारे हमारा पता लगा। अद्या कौन है? नानी। अद्या बोल दो, नानी आई। हेलो सॉरी बोलो, जय कर दो ना, जय कर दो, जय कर दो, जय कर दो, जय 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 कर दो, जय जय कर दो, जय कर दो, जय कर दो, चौकी जा 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 जा। दोस्तों अभी मम्मी आई है तो मम्मी से, मम्मी बात कर रही है, पापा पापा ना है यहाँ, शरीर एकदम पका हुआ, जा एम लाए थे उधर रख लेते हैं, बोले उधर चलो अंकल उधर बैठना। अच्छा ये मिठाई क्या है, इतना मिठाई और मीठा मीठा सामान दो, शरीफा हमको खाने का मन कर रहा है लेकिन अभी थोड़ा देर में खाएंगे, अभी ना थोड़ा देर में, धीरे धीरे बोल रहे हो पापा सुन नहीं पा रहे, खा लेगो अब पूरा पका हुआ है, इतना मीठा लगता है क्योंकि हम इधर शरीफा आया था ना तो कच्चा सब खा ही नहीं पाए थे, एक भी शरीफा नहीं खा पाए थे, तो इसीलिए सोच रहे हैं खा ले। बाकी सब्जी बनाए थे दिन में, खाना वाना बना लिए थे तो खाता हूँ, मिठाई कोई नहीं लाता तो फल लाता है, फल भी इतना सारा हो गया है हम लोग खा ही नहीं पाते। दीदी तभी चलते हैं उधर बैठ के बात करते हैं। आद्या एसी का रिमोट कहाँ है? एसी बंद करो तो, एसी ठंडा लग रहा है सही में। एसी का रिमोट यहाँ है, बंद करो तो बेटा एसी बंद कर दो, एसी कहाँ है, कहाँ है एसी वहाँ। हाई फाई चुटकू है, चुटकू हाई फाई। तब निशा जा रही है घर, बंद कर दे, बंद कर दे, जा रही है ना तुम? हाँ अब निशा भी दिखेगी आप लोग को, वैसे इन लोग को क्या ही वो होगा कि यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, देखना तो वीडियो ही है इन लोग को। हम उन्हें जाते नहीं, यहाँ मौसी, मौसी भी जा रही है, मौसी को आज जा रही है, वीडियो बनाता है सही बात है। आप देख कैसे देख रही है, तो अभी सब लोग मम्मी और मौसी जा रहे हैं, निशा भी जा रही है साथ में, निशा कह रही है सास भी कभी बहुत थी, हम भी कभी बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन हम लोग के टाइम कुछ अलग था, अब के टाइम अलग है, दोनों दिमाग को हम भी सास बने, दिमाग सास बन चुके हैं पता है, हम नानी भी बन चुके हैं, फिर क्या बने, लाडू से 1.5 साल छोटा है मेरा नाती, क्या बोलते लुटी है
नहीं बोले से नाती बनिया देगी ना बनी दोगी ना रे भैया बाबू चाहिए हमें हम आए पहले कहली बोले रस क्या मौसम में ना ना नाती बोल रहा है ए जल्दी लाइए फिर मारे हो चेक चेक ये चलत बाजार में कपड़ा रख रही है बेचारी पैकिंग करने में दे ये पेटियो निकल नहीं पूरा पैक कर नहीं जानते कहानी हो गई ये का ठीक बने सॉरी बने हमें मेरी भाई भी चल नहीं नहीं तो आज हम और परेशान हुआ हो गया सॉरी दे यहां तक फाइल बोल रहा हूं सब जा रहे हैं सब कोई निशा कैसा लगा तुमको बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग छोड़ने वाले नहीं मत बोलिए एक टाइम खाना खाना निशा मन है ना तुम्हारा खाली ना बोल देता जाओगी पैसा देते हैं हाँ ये तुम्हारा प्रचार वाला है आए थे प्रचार के लिए सूट है क्या बनिया का है लो बनिया का है आधे ले लो इसमें था गलती से टाटा बाय निशा टाटा जा रही हूँ चलो जात नहीं चलो चलिए चलिए रेडी होके दो जा रहे हैं सब कोई निशा भी हो गई है रेडी बाकी किसका आईडी खोलना है जा रही है ऐसे टाटा बाय 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 कर रही है अभी खुबरी बना रही है हम नहीं बना रहे वो आनन्या और ऐसी सुहानी उसके लिए मतलब रेडी बनाने आता है पुराना गाना तो पता है अच्छा लगे हम लोगों की एडिटिंग तो नॉर्मल बेस्ड होती है सब लोग जा रहे हैं तार मोबाइल है पर देखनी है तो कहते नहीं है पर चप्पल निकाल पहले उठाइए इसको आप फोन लिया तो दो ना मजा नीजा का फोन तुम रखे हो पता लग गया चिमड़ा के अंदर कौन रखा है किधर है क्या दे कौन रखा है मुझे बताइए फ्लाइट में कौन आप रखी हम नहीं रखे फ्लाइट में क्यों रखा था रखने गए पीछे से आ गई है उस टाइम फोन खोज रही थी हम बोले हेलो तुम अपना फेस वॉश लो ताकि इसका डाइवर्ट हो जाए दिमाग अच्छा इसलिए सोच रहे आप फेस वॉश देख वीडियो की सोच रहे ना चुरा के रख अरे हां जा वो ऐसे करके उनको ना वही रखे थे ना अकार है ऐसे देख ऐसे खा नहीं रहे उनका हंस रहा है इसलिए जा इसका मैं देखो मेरे रुको रुको मैं चलते हैं मम्मी इधर आई हैं मम्मी का रूम दिख रहा है इधर ही थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है तो गाइस ये है पापा और ये है मेरे पापा तो जा रहे हैं
कुछ नहीं इसी का वो है गाइस फोटो खींचा रहा था, अभी वीडियो बन रहा है। मेरी आद्या भी आ गई इसी बहाने। ये तब तक इनका मेरे फोन में है जा रहे हैं ना। ये देखिए ना कितना देखी है पहले इधर ही फोटो दिखा कैमरा में ही फोकस किया। देखो पैरों देखो पैरों घूम हो गया है। अदू अच्छी बात है, हमारे नया कल्चर स्टार्ट हो गया है। आशीर्वाद ले रही है। मौसी को प्रणाम करो, बाद में आशीर्वाद देना। गाइस हमारे यहाँ तो भाई बचपन से सिखाते हैं बच्ची को भी, हमारे यहाँ बच्चियों से भी होता है अपने नाम पर। जा रहे यहाँ पे जा रही है मम्मी। शरीफा खा लो, शरीफा खाएगी खाना खाएगी हाँ। क्या ये मौसी है क्या बोल खा ले एक ले लो। नहीं राम जी सिवान में इनका पार्लर है का ना जी बात करके साइनिंग साइनिंग ले दे इसके पार्लर जहां पे भाभी का ब्राइडल हां जहां है उसका अच्छा है राम टाइम ओवर वो लोग मिलता के में आप पे वहीं पे यही तैयार क्या सब लोग जा रहे हैं सबको अलविदा कर रहे हैं। इसको भी अगर ब्राइडल में कब यहां पे निशा का सब सामान है छोटू बके कहाँ तुम उतर रही हो जी, पहले पैर नीचे लेके जा रही है। देखा क्या बोल रहा क्या चीज़ मेरा भी सूट कर पहले सब देखा क्या मत कर माय बाप देखा क्या नहीं बोल रहा ना। मम्मी का नहीं बोल रहे हैं, वीडियो में बहुत लोग बोलते हैं ना। अपनी माँ से कोई दिखा रहा है बाय तुम तो आइए जाने थोड़ी बात करो इस तरह ये ना कहिए कि नजदीक है मेरा हमारे के 300 किलोमीटर है मैं तो जा ही नहीं पा आएंगे नहीं दीदी एक दो दिन में आद्या नानी को चुप रहा नानी तो बड़ा मार दी थी हॉस्पिटल में ठीक है ध्यान से रहना। बाय ठीक है छोटू वो लेते हैं मेरी ढोलक नीचे तक पहुंचा दो ध्यान रखना पूजा दीदी पूजा दीदी बोला है ना। पूजा दीदी हाँ बेटा बुलाए ना आपको। हाँ बनी दोस्तों यहाँ पे मैंने जो जो बोला है ना मेरा तो आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी ना कि मम्मी जा रही थी और इमोशनल हो गई जाते जाते। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मी की आँख में आंसू मैंने देखा, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मम्मी की आँखों में कभी आंसू आए। किसी की भी मम्मी की आँखों में आंसू नहीं आना चाहिए यार। बहुत दुखी होते हैं वो लोग लेकिन दिखाते नहीं हैं।
और जब मम्मी आई थी ना तो मेरे को देखते ही बोलने लगी कि मनीषा तुम ये क्या कर रही हो, खाना पीना खाओ, अपना मस्त रहो और अच्छे से रहो। यहाँ तक कि हम भी जाने वाले थे अभी घर, लेकिन फिर हुआ कि नहीं अभी देखते हैं क्या रहता है उसके बाद, देखते हैं आगे क्या करना है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और मौसी भी आई थी, निशा भी चली गई और सब कुछ चला गया यार। मतलब मम्मी मौसी पापा तो आए ही थे और निशा थी हमारे घर ससुराल में, तो वो भी चली गई। वो रहती थी तो उसको कुछ भी बोल देते थे कि निशा ये कर दो वो कर दो, लेकिन अभी वो भी नहीं है तो अच्छा ही नहीं लग रहा था। थोड़ा सा हम भी इमोशनल हो गए, मम्मी जाते जाते ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, पूरा रोने लग गई थी, सिसक के यहाँ तक कि मम्मी की आवाज़ आने लग गए थे रोते हुए। तो मुझे ना बहुत अजीब लगा कि यार मम्मी कैसे रो रही है, मैं तो मेरे आँख से आंसू निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि सब क्या हो रहा है, जबकि मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, मैं खुद रोने लग जाती हूँ, लेकिन मैं मम्मी के सामने नहीं रोई। नहीं तो मम्मी को लगेगा कि यार ये इतनी परेशान हो जाएगी, इसीलिए मैं कभी नहीं वो करती हूँ कि मम्मी मैं परेशान हूँ चाहे कुछ भी। जब कुछ अच्छा नहीं लगता तब जाके मैं वो भी बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, क्योंकि माँ बाप को ना सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, हालांकि बताना भी चाहिए, ये भी एक चीज़ है, लेकिन नहीं हो पाता है मेरे से। तो आप लोग देखिए वीडियो को और खूब सारा प्यार दीजिए।